हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने जो एंकर का 5-in-1 पिन बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसकी आज हम इस वीडियो में वायरिंग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल प्रज्वल में। तो फ्रेंड्स, इसको हम बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके के साथ ये हमारा बॉक्स दिखाई देगा। तो हमें स्क्रू ड्राइवर लेकर यहाँ पर ये निकाल लेना है। यहाँ पर स्क्रू, चारों स्क्रू यहाँ पर इस तरीके के साथ निकाल लेने हैं आपको। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इस तरीके के साथ ये चारों स्क्रू है यहाँ पर हमें निकाल लेने हैं इस तरीके के साथ। यहाँ पर हमारा आपको इस तरीके के साथ यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये रहा हमारा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का वायर यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक वायर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर हमारी पिन और जो हमारा स्विच है, पिन और स्विच को यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है। उसके लिए हमने एक वायर ले लिया है उसको इस तरीके के साथ। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरीके यहाँ पर कनेक्ट कर देना है उस वायर को। कटर का यूज़ करके यहाँ पर हम वायर को इस तरीके के साथ छील लेंगे। फिर जो वायर का एक पॉइंट है वो हमारे जो 5 पिन है उसके एक पॉइंट पर जाएगा इस तरीके साथ, लाइन वाले पॉइंट पर। और इसको इस तरीके साथ आपको टाइट कर देना है। फिर जो वायर का दूसरा टर्मिनल है वो जो हमारा स्विच है, स्विच के यहाँ पर नीचे वाले साइड पर यहाँ पर आपको इस तरीके के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो इंडिकेटर का एक वायर है उसको भी हमने जहाँ पर हमारा जो वायर लगाया था उस पॉइंट पर स्विच के नीचे वाले साइड यहाँ पर आपको इस तरीके के साथ कनेक्ट कर देना है। मतलब जब हम हमारे स्विच ऑन करेंगे तब हमारा इंडिकेटर यहाँ पर ग्लो होगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ उसके बाद हमें एक वायर और लेना है। फिर उस वायर को हमें जो हमारा फ्यूज़ है, फ्यूज़ और जो हमारी यहाँ पर 5 पिन का दूसरा टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर देना है। तो एक वायर उसको कट कर देंगे इस तरीके से। आप यहाँ पर इंसुलेशन इसका निकाल लेंगे। और जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज के एक साइड पर यहाँ पर इस तरीके से आपको कनेक्ट, जो हमारा फ्यूज है फ्यूज के एक टर्मिनल को आपको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। और जो वायर का दूसरा टर्मिनल ए वाला, जो हमारे जो पिन है 5 पिन उसके एक टर्मिनल पर आपको कनेक्ट कर देना है। जो ए वाला टर्मिनल है, ये जो पिन का दूसरा टर्मिनल है वहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से वायरिंग में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर हमारे लाइन और न्यूट्रल के लिए यहाँ पर हम यहाँ पर दो वायर लेंगे। इस तरीके के साथ ये जो दो वायर है उसको इस तरीके के साथ कनेक्ट कर देंगे, काट लेना है आपको। और जो हमने यहाँ पर स्विच के ऊपर वाले साइड हमें यहाँ पर इस तरीके के साथ एक वायर को इस यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ये हो गया हमारा लाइन के लिए वायर, लाइन सप्लाई के लिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा वायर है उसको हमारे जो जहाँ पर हमने फ्यूज लगाया था उस जगह पर हमारे एक वायर इंडिकेटर का और एक वायर हमारे जो लाइन से न्यूट्रल वाला सप्लाई आने वाला है उसके लिए यहाँ पर हमें इस तरीके से कनेक्ट कर देना है दोनों वायर को। और स्क्रू को यहाँ पर हमें टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर वायरिंग समझ आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर फ्यूज़ के साथ उसको कनेक्ट कर दिया था, इसीलिए हमें देखना है कि यहाँ पर हमने फ्यूज़ डाला है या नहीं। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फ्यूज़ नहीं डाला। तो यहाँ पर हमें एक वायर लेना है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर फ्यूज़ डाल देना है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।